साढ़े धूरी दे विच जिहड़े हैगे सारे किते इस तरीके नाल जिहड़े ने नाके ये लगे हुए ने। ते जिहड़ा कल दी जिहड़ी कोर्ट की पेशी सीगी वो जिहड़े हालात सीगे उन्हां नूं मद्देनज़र रखदे हुए इत्थे साडा तकरीबन हरेक मुलाजम जिहड़ा है 15 घंटे तो वध ड्यूटी कर रहा है। तो एस एच ओज जिहड़े ने उन्हां नूं ऑलमोस्ट 18 घंटे हो गए लगातार वो ड्यूटी दे उत्ते ने। तो असी अपील भी यही करते हैं लोगों सारियां नूं बई अमन शांति जिहड़ी है कायम रखी जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी का नुकसान करन नाल या किसी निजी किसी बंदे का नुकसान करन नाल किसी भी समस्या का हल जिहड़ा है वह नहीं हो सकता। ये सगन लोगों जी परेशानी ही आती है। तो उपरों जानू हिदायत ने उन्होंने मुताबिक जोड़ा है असी किसी भी तरह के जोड़े हालात ने उन्होंने जोड़ा है खराब नहीं होता जाऊगा। असी किसी भी जोड़ा है न्यूसेंस जो क्रिएट की जाती है तो वह पूरी सख्ती के नाल निजिठा जाए। सर कल घटनावान देखे कई जगह वाधा किया गया जो जो है एडुकेट पुलिस फोर्स है जिन्नी पुलिस फोर्स हैगी है साढ़े को एक कंपनी CRPF की हैगी है पंजाब डाउन पुलिस की एक कंपनी हैगी है तो साड़ी बाकी जी है सिटी की इतने सॉरी संगरूर जिले की जी सा आपकी फोर्स है वो हैगी है सफिशेंट फोर्स है। तो असी धूरी जोड़ा है 9 जोनों के वंडिया गया है तो जी सेंसिटिविटी के हिसाब के नाल उस मुताबिक जोड़ा है साड़ी जी स्ट्रैटजी है वो ठीक है। हूँ तक जोड़ा है किसी तरह की कोई इस तरह की कोई अणसुखामी घटना जी सामने नहीं आई। और में भी पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस जो धूरी को है जो पूरे 9 जोन्स में बांटा गया है तो उसमें गांव भी शामिल है उसमें सिटी भी शामिल है सारा 9 जोन्स में पूरी धूरी जो है सब डिवीजन को बांटा गया है। सर क्या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह कोई जारी किया गया है कि जैसे कि कुछ लोग गाँव में ऐसा करें या उसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ जी वो हमने अपने नंबर सभी को दिए हुए हैं। हमने अपने लैंडलाइन नंबर जो हैं और वो पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो ओवर एक्टिवेटेड है। आप किसी भी टाइम कॉल करेंगे आपका कॉल अटेंड होगा और 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके अलावा हमारा आपस में जो कम्युनिकेशन है वो टोटली वायरलेस कम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई बात होती है तो उस हिसाब से मतलब बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचा जाए।